नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव रंपी। आज फिर से बचपन की सुनहरी यादें को लेकर आया हूं। वैसी यादें जिसे शायद आप भूल चुके होंगे। आशा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 1995 में दूरदर्शन पर स्वाभिमान टीवी सीरियल प्रसारित किया था। आज इसी टीवी सीरियल की कहानी की बातें करेंगे। ये धारावाहिक सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 पर दूरदर्शन पर प्रसारित होते थे। स्वाभिमान एक भारतीय सोप ओपेरा है जो महेश भट्ट और देवालय दे द्वारा निर्देशित है और इसकी पटकथा शोभा दे और विनोद रंगनाथ ने लिखी है। स्वाभिमान एक आकर्षक महिला स्वेतलाना की कहानी बताती है जो खुद को एक ऐसे युद्ध में पाती है जहां कोई वास्तविक विजेता नहीं है। असुरक्षा संदेह और भाई उसके जीवन भावना को खत्म करने की धमकी देती है क्योंकि वो अपनी स्थिति के साथ समझौता करने के लिए संघर्ष करती है। एक लाडली मालकिन की जिसकी ताइकुन संरक्षक केशव मल्होत्रा की मृत्यु हो जाती है और उसे त्रासदी के बदसूरत परिणाम से निपटने के लिए छोड़ दिया जाता है। विरासत युद्ध उत्तराधिकार अधिकार संपत्ति उलझाने छोटे मोटे झगड़े और सबसे बढ़कर भावनात्मक अशांति जो उसे नष्ट करने की धमकी देती है। इस धारावाहिक का कलाकार है कीतो गिडवानी स्वेतलाना के रूप में, अभिमन्यु सिंह रूनी के रूप में, अंजू महेंद्रू रंजना देवी के रूप में, दीपक परेशर महेंद्र मल्होत्रा के रूप में, कुनिका निशी मल्होत्रा के रूप में, रोहित राय ऋषभ मल्होत्रा के रूप में, प्रभा सिन्हा शीला के रूप में, शीतल ठक्कर ऋतु मल्होत्रा के रूप में, आशुतोष रोना त्यागी के रूप में, मनोज बाजपाई सुनील के रूप में, चना रूपरल मेधा हेकरे के रूप में।